So let's talk about rule number 5. If the equation mdx plus ndy is equal to 0 can be put in the form x raised to bar a, y raised to bar b, my dx plus nx dy plus sara same x raised to bar a dash, y raised to bar b dash, m dash y dx plus n dash x dy is equal to 0. That is, in dono parts mein sirf constants ka hi fark hai, where a, b, m, n and a dash, b dash, m dash, n dash ye sare ek constants hai. तो ऐसी इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्स रेस्ट पर एच इंटू वाई रेस्ट पर के. अब मेन फोकस रहेगा हमारा इस एच और के की वैल्यूज फाइंड करना. तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू उठाकर इन इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी जिससे एच और के मिल जाएगा. बाय एग्जाम्पल समझते हैं इसे. अब देखो, मान लो हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया. सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं. तो कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालेंगे, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकालेंगे, चेक करना इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आएगी. इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई तो हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है? नहीं, क्योंकि यहाँ वाई की पावर वन, यहाँ वन प्लस टू थ्री, मतलब रूल वन फेल हो गया है ना. नाउ सेकंड रूल, क्या इसमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ सिंगल वाई सिंगल एक्स प्रेजेंट है, क्लियर. तो रूल टू भी फेल, सिमिलरली रूल थ्री एंड रूल फोर वो भी फेल हो जाएंगे. तो लास्ट हमारे पास बचा ये वाला फिफ्थ वाला रूल. अब इसे देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे. नाउ ये इक्वेशन हमें इस फॉर्मेट की गिवन है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसको हमें इस फॉर्मेट में रिड्यूस करना है. तो उसके लिए सबसे पहले इस dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिलेगा टू वाई डी एक्स प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स. सिमिलरली dy को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज थ्री एक्स डी वाई प्लस एट एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो. नाउ नेक्स्ट काम है हमारा इन इक्वेशन में से x और y के हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना. दैट इज इन दो टर्म्स में देखो, एक्स वाई कॉमन, पीछे बचा सिक्स वाई डी एक्स प्लस एट एक्स डी वाई प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसे हम लिख सकते हैं वन डॉट टू वाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो. मतलब अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, बट अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है. इस पार्ट में देखो एक्स वाई कॉमन आ रहा है ना, बट इस पार्ट में हमें एक्स वाई नहीं दिख रहा है ना. तो ध्यान से देखो, हमें पता है समथिंग रेस्ट पर जीरो इज वन, तो इस वन को हम लिख सकते हैं एक्स रेस्ट पर जीरो इंटू वाई रेस्ट पर जीरो है ना, एनथिंग रेस्ट पर जीरो इज वन. मतलब अब ये इक्वेशन कम्प्लीटली इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है. तो दोनों तरफ कंपेयर करने पर हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मिल जाएंगी. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट काम है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना. सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स रेस्ट पर एच इंटू वाई रेस्ट पर के. नाउ एच और के फाइंड करने के लिए इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू उठाकर हम इन दो इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास एच और के की वैल्यूज आ जाएंगी. दैट इज वैल्यूज पुट करने पर हमें ये दो इक्वेशन मिलेंगी और सॉल्व करने पर इस दो इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएंगी. तो इनको सॉल्व करने पर हमें एच मिलेगा वन और के मिलेगा टू. आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारा देख लेना, इजी काम है. सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स रेस्ट पर एच इंटू वाई रेस्ट पर के, दैट इज एक्स रेस्ट पर वन इंटू वाई रेस्ट पर टू. तो हमारा मेन काम हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना. अब इसके बाद गिवन इक्वेशन वन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी और इसे सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है. मैं उसको एक बार यहाँ पर पेस्ट भी कर दूंगा. क्लियर? अब बात ये आती है कि हमें कई बार पेपर में ये दो इक्वेशन नहीं याद रहती, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम एच और के भी नहीं फाइंड कर सकते. तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली एच और के को फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए उस मेथड को डिस्कस करते हैं. दैट इज विदाउट दिस इक्वेशन, इसका यूज किए बिना हम एच और के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इनको रब कर देते हैं. नाउ फॉर सेकंड मेथड, एज वी नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हर इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, तो इसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे और वहां से हमें एच और के मिल जाएगा. दैट इस गिवन इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, देन वी गेट टू इंटू एक्स रेस्ट पर एच इंटू वाई रेस्ट पर के प्लस वन प्लस सिक्स इंटू एक्स रेस्ट बार एच प्लस वन इंटू वाई रेस्ट बार के प्लस टू आउटसाइड डी एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स रेस्ट बार एच प्लस वन इंटू वाई रेस्ट बार के प्लस एट एक्स रेस्ट बार एच प्लस टू इंटू वाई रेस्ट बार के प्लस वन आउटसाइड डी वाई इज इक्वल टू जीरो. तो ये आ गई एम की वैल्यू और ये आ गई एन की वैल्यू. एज वी नो दैट ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बन चुके हैं, तो पक्का कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के इक्वली आएगा. तो यहाँ से कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालो, दैट इज टू इंटू एक्स रेस्ट पर एच कॉन्स्टेंट और वाई रेस्ट पर के प्लस वन का के प्लस वन इंटू वाई रेस्ट पर के प्लस सिक्स इंटू एक्स रेस्ट पर एच प्लस वन कॉन्स्टेंट
वाई रेस्ट बार के प्लस टू का के प्लस टू इंटू वाई रेस्ट बार के प्लस टू इज इक्वल टू कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स। तो इसके लिए थ्री इंटू वाई रेस्ट बार के कॉन्स्टेंट साथ में एच प्लस वन इंटू एक्स रेस्ट बार एच प्लस एट इंटू वाई रेस्ट बार के प्लस वन कॉन्स्टेंट और साथ में एच प्लस टू इंटू एक्स रेस्ट बार एच प्लस वन। अब ध्यान से देखो एक्स रेस्ट बार एच वाई रेस्ट बार के एक्स रेस्ट बार एच वाई रेस्ट बार के मतलब दोनों तरफ टर्म सेम सेम आने लगी तो दोनों तरफ टर्म्स कंपेयर कर दो। तो जब इन दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे वी गेट टू इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एच प्लस वन। सिमिलरली जब इन दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे देन वी गेट सिक्स इंटू के प्लस टू इज इक्वल टू एट इंटू एच प्लस टू। मतलब फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई एच और के में और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें एच और के मिल जाएगा दैट इज एच मिलेगा वन और के मिलेगा टू। आप चेक कर सकते हो। सो ये वाला मेथड पुराने वाले मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर। और इस मेथड की खास बात ये है कि इस मेथड को हम हर इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो रूल टू वाली हो। बस ये ध्यान रखना है कि वो इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस्ट बार समथिंग की फॉर्म में ना आए बाकी हर जगह हम इस रूल नंबर 5 को अप्लाई कर सकते हैं। करके भी देखना आप। क्लियर।